हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12। इस आध्यात्मिक ध्यान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं धराति स्व परान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवदीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं केशं भक्तरूपकं भक्तावतारभक्तमख्यं, नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते। सप्तकाञ्चनं गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानु सूतदेवी प्रणमामि हरीति। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रथम स्कंद दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 11 और 12। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए।
सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सत्संगान मुक्त दुह संगो हा तुम नोत्साहती बुध कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा करण्य रोचनम् तस्मिन्यस्त दिह पाथ सहेरं विहरं कथम् दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन सत्संगान मुक्त दुह संगो हातुं नोत्सहती बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा करण्य रोचनम् तस्मिन्यस्त दियः पाथ सहेरं विहरं कथम् दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन सत्संगान मुक्त दुह संगो हातुं नोत्सहति बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा करण्य रोचनम् तस्मिन्यस्त दिवः पाथ सहेरन् विरहं कथम् दर्शनस्पर्श संलाप शयनासन भोजन शब्दात् सत्संगान् मुक्त दुह संगो सत्संगात् अर्थात् शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त दुसंगो अर्थात बुरी भौतिक संगति से मुक्त हातुं यानी परित्याग करने के लिए न उत्सहते कभी भी प्यास नहीं करता छोड़ नहीं सकता वो कौन बुधः बुधः मना जो भगवान को समझने वाला है जो वास्तविकता समझता है जो अक्लमंद होता है वो कभी भी भगवान के भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहता हातुं नोत्सहते बुध वो छोड़ नहीं सकता सहन नहीं कर सकता कौन जो सत्संग करता है जो शुद्ध वैष्णव का संग करता है उससे क्या होता है उसके दुसंग समाप्त हो जाते हैं और वो कभी भी भगवान के भक्तों का संग करना छोड़ नहीं सकता। आगे कीर्त्यमानम यशो यस्य कीर्त्यमानम मतलब यशो गान करता है यश ख्याति तस्मिन् उसमें न्यस्त दया यानी वो जब भगवान की भक्ति भगवान की गुणगान करता है भगवान की ख्याति करता है साधु संग करता है तो उसकी दया है दया मतलब उसकी बुद्धि उसका चित्त उसका मन जो है वो सारा का सारा उसके अंदर भगवान की कथाओं के अंदर भगवान के यश के अंदर भगवान की भक्ति के अंदर पूरा का पूरा वो उसमें बुद्धि लग जाती है उसकी वो चाहकर भी भगवान से अपना मन दूर नहीं कर सकता जैसे गोपियां से भगवान के अंदर रम जाती हैं क्यों क्योंकि उससे सत्संग करने से उनका जो दूसरा है वो समाप्त हो गया तो तस्मिन् न्यस्त देह पार्थ सहीरं विरहं कथम और जब इस तरह से बुद्धि भगवान के अंदर लग जाएगी तो सहीरं किस तरह से वो बर्दाश्त कर सकते हैं किस तरह से सह सकते हैं क्या विरहम वियोग को उस बिछड़ने की हालत को वो सह नहीं सकते संलाप परस्पर कैसे विरहम कथम किस तरह से वो विरह को सहन सकते हैं। आगे दर्शन स्पर्श संलाप दर्शन मना देखने से स्पर्शम मतलब स्पर्श करने से संलापम अर्थात परस्पर बातें करने से और शयनम यानी सोने से आसनम यानी साथ साथ देखने से भोजनम मतलब एक साथ भोजन करने से।
मनोवत जिस बुद्धिमान ने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, चाहे उसने उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह सकते थे? उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते थे, उठते थे, बैठते थे तथा भोजन करते थे। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अपने लिए सुंदरी जी से समझा रहे हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करनी है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इंद्रियों की सेवा करने से वह कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उससे संतुष्ट हुए बिना निरंतर सेवा करने के लिए बाध्य करती रहती है। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई वारा पार नहीं है और भद्र जीव छूटने की आशा त्याग कर ऐसी सेवा में फंस जाता है। वैसे तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? अपने से सृष्टि की सेवा करना। अब क्योंकि वो इस माया के चुंगल में फंस गया है तो क्या होता है, वो इंद्र तृप्ति के लिए माया की सेवा करना स्टार्ट कर जाता है, थकता नहीं है, कंटिन्यूस कर जाता है। यदि थक भी जाता है तो भी माया उसे बाध्य कर देती है कि मेरी सेवा करे और बद्ध जीव छूटने की आशा त्याग कर इसी सेवा में फंस जाता है। छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए श्री गोपाल जी कहते हैं कि इस माया की सेवा से छुटकारा तभी प्राप्त हो जाता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। देखो ये दुर्संग है, जब हम अपने शरीर की और सिर्फ इस माया में शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं की सेवा करते हैं तो ये दुर्संग है। और ये दुर्संग कैसे समाप्त होगा? सुख गोस्वामी ने कहा, सत्संगा मुक्त दुर्संगो। तुम्हारी ये संसार में जीव इसलिए नहीं आया है कि भौतिक वस्तुओं की सेवा करते 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 मर जाए। वो इसलिए आया है कि अपने वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करे, वास्तविक स्थिति को प्राप्त करे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे। लेकिन जीव इस माया में आकर इतना जकड़ दिया जाता है माया के कारण कि वो अपनी वास्तविकता भूल कर इस भौतिक जगत की भौतिक वस्तुओं में इतना आसक्त हो जाता है कि केवल उन्हीं की सेवा करना ही अपना परम धर्म समझता। वो सोचता है कि इससे आगे कोई और धर्म है नहीं। लेकिन ये जो उसकी अशुद्धता है बुद्धि की, वो कैसे समाप्त होगी, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? शुद्ध समय का सत्संगान। यदि हम शुद्ध वैष्णवों का संग करते हैं तो क्या होता है, ये भौतिक आसक्ति जो कि हमें भौतिक वस्तुओं की सेवा करने पर बाध्य कर देती है वो समाप्त हो जाती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विकृत इंद्रियों की काम क्रोध लोभ प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। वो जब शुद्ध भक्तों का समय किसी को प्राप्त हो जाता है फिर उसे अपनी स्वाभाविक स्थिति याद हो जाती है कि मैं थोड़ी ना इन भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए काम क्रोध लोभ प्रभुत्व जताने की इच्छा के लिए अपने इस मनुष्य जन्म का सत्यानाश करने के लिए आया हूँ। मैं तो इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके कृष्ण को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो हमें हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य का पता चलता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं, चाहे वो
आप सेवा भौतिक समाज की कर रहे हो, अपने मित्रों की कर रहे हो, या फिर किसी से प्रेम का दावा करके उनकी सेवा कर रहे हो, वास्तव में तो ये केवल काम वासना है। काम वासना के विभिन्न रूप है, यहाँ पिछले गोपाल जी कितने विभिन्न अवस्थाएं हैं, घर, देश, परिवार, समाज तथा अन्य वस्तुएं भावबंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ तीन प्रकार के ताप बने रहते हैं। चाहे किसी भी वस्तु में हमारा मोह बना रहे, चाहे वो घर हो हमारा, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, किसी के अंदर भी यदि हमारा मोह होगा, आसक्ति होगी, यदि हम किसी के लिए भी जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें पुनः इस संसार में आना पड़ेगा और इस संसार में आकर हमें प्रिय तापों को भुगतना पड़ेगा, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक कष्टों को सहना पड़ेगा। वास्तव में ये जीवन हमें कष्टों को सहने के लिए नहीं, अपितु कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मिला है। तो हम ऐसा काम यदि करेंगे, भौतिक व्यक्तियों की ओर आसक्ति रखेंगे, तो क्या होगा, हम कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सूत्र गोस्वामी कहते हैं, सत्संग मुक्त दोसंग, सत्संग करो, शुद्ध भक्तों का संग करो, शास्त्र को अध्ययन करो, इससे आपके दोसंग जो है भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की आसक्ति है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर, देश, परिवार, समाज तथा अन्य वस्तुएं भाव बंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ त्रिय ताप बने रहते हैं। भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम हो जाती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण बढ़ता है। जब हम जैसे हमारी संगति होगी ना, वैसा ही हमारा आकर्षण होगा। जब हम भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों का संगति करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ अपना समय बिताएंगे, तो क्या होगा, भौतिक वस्तुओं की ओर ही हमारा आकर्षण निर्माण होगा। लेकिन यदि हम भक्तों का संग करेंगे, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी। कैसे, भक्तों की संगति करने से और विनीत भाव से उनका श्रवण करने से, उनसे यदि हम श्रवण करेंगे तो भौतिक भोग की आसक्ति कम हो जाएगी। और आसक्ति कहाँ डिवेलप होगी, क्योंकि भक्तों की आसक्ति भगवान में होती है, तो हम भक्तों का संग करेंगे तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहेगा। एक बार यदि किसी ने वास्तविक भगवान के यश को किसी शुद्ध भक्त के द्वारा सुना, तो फिर एक बार श्रवण करने से, जैसे यहाँ पर लिखा है सकृदाकरणियम रोचनम, एक बार भी यदि रस मिल जाना शुरू हो गया ना भगवत कथा में, किसी शुद्ध भक्त का संग हो गया और उसके सानिध्य में यदि हमने कथा श्रवण की, तो क्या होगा, कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृद्याकरण रोचनम, फिर बस वो और कुछ करेगा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति भगवान की सुंदर रुचिकर शब्दों को, भगवान की लीलाओं को यदि एक बार भी सुनेगा, तो कभी भी हाथों नोत्साहते बुदा, वो कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, बार बार सुनना चाहेगा। कौन, बुद्ध, जिसके पास बुद्धि है और वो अपनी बुद्धि को अच्छे तरीके से यूज करना जानता है, वो जान जाता है कि भौतिक वस्तु और व्यक्तियों के विषय में चाहे कितना भी श्रवण कर लूं तो मेरा बंधन का कारण बनेगा, और यदि मैंने भगवान के विषय में श्रवण किया तो अवश्य मेरे मोक्ष का कारण बनेगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वह बिना रुके चलता रहेगा, जिस प्रकार बारूद की आग, जैसे जंगल में एक बार आग लग जाती है बारूद से, तो फिर रोका नहीं रोकती है, वो फैलती जाती है, आगे चलती जाती है। उसी तरह एक बार यदि हृदय में कृष्ण प्रेम की अग्नि लग जाती है, साधु संघ के द्वारा छोटी सी चिंगारी ही क्यों न हो, सकृत व्याकरण रोचना, फिर भी वो
फड़कती रहती है, जलती रहती है, बढ़ती रहती है आगे, और एक दिन अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त हो ही जाता है भक्त। जैसे भगवान कहते हैं 2.14 में, नेहा भी कामना शक्ति प्रत्यवायु विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोभाव। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कहा गया है कि श्री हरि इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मराम हो चुके हैं और एक तरह से सारे भावबंधनों से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था श्री सुख गोस्वामी बता रहे थे शुकदेव गोस्वामी के बारे में कि वो आत्माराम थे, आत्मा में रमन करने वाले थे, किसी भौतिक वस्तु और व्यक्ति की ओर उनका कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन भगवान की कथाएं, भगवान का यशोगान, भगवान की कीर्ति इतनी आकर्षक है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्माराम हो चुके होने पर भी और एक तरह से सारे भावबंधन से मुक्त हो चुके होने पर भी वे भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह बलि भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे, जो भगवान के साथ सदैव रहते थे, भगवान के साथ स्पर्श करते थे, देखते थे, उनके साथ बातें करते थे, उनके साथ खाते थे। आज जब भगवान उनको छोड़कर जा रहे हैं तो फिर उनकी क्या हालत होगी? क्योंकि जो ऐसे भक्त होते हैं जो केवल भगवान के विषय में श्रवण भी करते हैं तो भी वो भगवान का विरह नहीं सह सकते, श्रवण से छूटना दूर होना नहीं चाहते, वो चाहते हैं हर क्षण हम भगवान के विषय में श्रवण करें। तो जो भगवान के साक्षात संग रहता है, भला वो भगवान से दूर रखकर उस दूरी को कैसे सहन कर सकता है? श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर अत्यंत ही सुंदर बता रहे हैं कि पांडवों की क्या स्थिति होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ हो गया था, क्योंकि डायरेक्ट से भगवान का संग किया था, भगवान के साथ रहे थे, भगवान के साथ बातें करते थे, भगवान के साथ प्रेम करते थे और प्रेम का आदान प्रदान करते थे कृष्ण के साथ। तो जब आज भगवान उनको छोड़ कर जा रहे हैं तो उनकी क्या दशा होगी? शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप गुण नाम यश कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना ही आकर्षक है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो भगवान के रूप गान लीलाओं भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं देखते, भगवान में और भगवान से रिलेटेड कोई भी वस्तु में कोई अंतर नहीं है। तो जब शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की कथा से दूर कर लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन का उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता है, भगवान के विषय में श्रवण करने का अथवा भगवान के पवित्र नाम का जप करने का अवसर यदि नहीं मिलता है तो वो इस दुख को सहन नहीं कर सकते। अशुद्ध भक्तों की प्रौढ़ संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होते। और जब कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग करता है तो उसे डायरेक्ट से भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, क्योंकि शुद्ध भक्त जब भी बोलेगा भगवान के विषय में बोलेगा, जब भी बात करेगा भगवान के विषय में बात करेगा, तो फिर क्या होगा कि वो हमें भगवान से मिला रहता है हर क्षण। तो जब जो बुद्धा होते हैं, जो वाकई बुद्धिमान होते हैं, वो एक क्षण के लिए भी शुद्ध भक्तों का संग छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि जब वो शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो क्या हो जाता है, मुक्त दुःसंग, उनका जो दुःसंग है वो समाप्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्।
श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध श्लोक संख्या 11 और 12। जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध समाप्त हो चुके हैं और भगवान बहुत समय तक पांडवों के साथ रहकर अब विदा लेकर द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, परंतु जो द्वारिका वासी हैं, सॉरी हस्तिनापुर के जो वासी हैं, वो भगवान के विरह को सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो भगवान से दूर होने के विषय में सोचते ही मूर्छित हो रहे हैं। बार बार उनका दुख प्रकट हो रहा है, बहुत बहुत दुख उनको अनुभव हो रहा है। जैसे कि श्लोक नंबर 9 में बताया, सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रस्य युयुत्स गौतमो यमो वृकोदरस्य भौम्यस्य क्रियो मत्स्य सुतादया नसे हिरे विमोहयन्तो विरहं शान्तधन्वतः। कि जो भगवान श्री कृष्ण का विरह है, स्पेशली वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं, वास्तव में भक्तों स्त्रियों के मन में बहुत ही प्रेम होता है और जिसके साथ वो रहती हैं, जिनके साथ बात करती हैं, तो फिर उनके अंदर आकर्षण बहुत तीव्रता से उत्पन्न हो जाता है। जैसे सुभद्रा द्रौपदी कुंती महारानी और उत्तरा और गांधारी, ये सब भगवान के विरह को सह नहीं सक रहे थे और साथ साथ में भीम और युधिष्ठिर महाराज और नकुल सहदेव, वे सभी भगवान के जाने की सूचना समझ कर सुनकर मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि भगवान का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव हो गया था। तो यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाते हुए सूत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई वास्तविक भक्त होगा इस संसार में, तो उसकी यही दशा होगी कब, जब वो भगवान की कथाओं से दूर कर दिया जाएगा, जब सत्संगान मुक्त दूर संगो, जब वो शुद्ध भक्तों का संग करेगा ना, तो स्वतः क्या होगा, वैष्णवों के संग से उसका दुःसंग समाप्त हो जाता है। दुःसंग क्या है, परिवार की आसक्ति, शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों की आसक्ति, ये दुःसंग है। क्यों, क्योंकि आत्मा इटर्नल है, आत्मा भगवान का अंश है और उसे संतुष्टि केवल भगवान के विषय में श्रवण करके, भगवान के विषय में कीर्तन करके और भगवान की सानिध्य से उसको प्रेम प्राप्त होता है। तो जो भौतिक वस्तु और व्यक्ति हैं, वो किससे रिलेटेड है, उनका शरीर से रिलेशन है, उनका हमारी आत्मा से कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए उन भौतिक व्यक्ति और वस्तुओं की संगति को यहाँ पर दुःसंग कहा गया है। और वो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वो उनका रिलेशन हमारे शरीर से नहीं होता है, उनका रिलेशन किससे होता है, आत्मा से होता है, क्योंकि वो आत्मा को प्रसन्न करने वाली बात कहते हैं, वो भगवान का यश कहते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्तों का संग करता है, तो क्या होता है, उसके जो दोष होते हैं, दुःसंग होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और जब उसका दुःसंग समाप्त हो जाता है, तो क्या होता है, हाथों नोत्साहते बुद्ध, फिर वो एक क्षण के लिए भी उस शुद्ध भक्तों के संग को त्याग नहीं सकता। वो हर वक्त यही सोचता है कि किसी तरह से मुझे शुद्ध वैष्णवों का संग प्राप्त हो, ताकि मैं अपने भगवान के साथ अपने प्रेम को पुनः निर्माण कर सकूं। लेकिन ऐसा कौन सोचता है, केवल वो जो वास्तव में बुद्ध है, बुद्धिमान। यहाँ पर सूत गोस्वामी बुद्धिमान की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यदि किसी ने शुद्ध भक्तों का संग किया है और वो पुनः
उस शुद्ध भक्तों के संग को त्यागना नहीं चाहता है तो वास्तव में वो बुद्धिमान है और उसके दोष समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको भगवत कृपा से शुद्ध भक्तों के संग का अवसर भी प्राप्त होता है, लेकिन वो उस अवसर का लाभ नहीं लेते हैं और फिर क्या करते हैं, पुनः अपने भौतिक व्यक्तियों की ओर या वस्तुओं की ओर आकर्षण और भी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर उनको बुद्धिमान नहीं कहा गया, उनको बुद्धिमान कहा गया है हाथों नौते जो शुद्ध भक्तों का संग करते हैं और फिर कभी भी उस संग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं मुक्त दो संग को जो भौतिक आसक्ति है उससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और सदैव कीर्त्यमान यशो यस्य, सदैव भगवान के यशोगान का उनकी ख्याति का सदैव कीर्तन करते रहते हैं, भगवान की ख्याति को बढ़ाते हैं वो शुद्ध भक्तों के साथ। और सकृत दाकरणीय रोचनक, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस दिन रात उसे शुद्ध भक्तों का संग मिला हो तभी उसके अंदर ये परिवर्तन, नहीं, सकृत दाकरणीय रोचनक यदि एक बार भी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाता है, साधु संग प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है, तो हमारे दो संग समाप्त हो जाते हैं और फिर हम सदैव भगवान की भक्ति करने में आनंद प्राप्त करते हैं और उनसे विरह को हम सह नहीं सकते। अब यहाँ पर सुख को हम बताना चाह रहे हैं कि केवल जिनकी कथा श्रवण करके और जिनकी भक्तों का संग करके हम उस कथा से और उस संगति से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, सह नहीं सकते हैं उसके वियोग को, तो फिर पांडु क्या स्थिति होगी जो सदैव भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ खाते थे, भगवान के साथ सोते थे, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते थे। आज से भगवान स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध के साथ के मानते रहते थे, वो चाह रहे उनको छोड़ के, तो फिर उनकी कैसी स्थिति होगी। तो यहाँ पर इसको कहते हैं कि निरुत्तिनाए, इसमें इसमें क्या है कि जो कथा सुन कर नहीं रह सकता, भगवान की कीर्ति को सुने बगैर नहीं रह सकता, जैसे कि हमारा अनुभव है जब हम भागवतम श्रवण करते हैं और कुछ दिन के लिए किसी कारण से हमें श्रवण करने को नहीं मिलता है तो बेचैनी होने लगती है, बिल्कुल आनंद नहीं आता, हृदय इतना दुखी हो जाता है कि क्यों मैं भगवान की कथा से दूर हूँ। तो फिर जिसका शुद्ध भक्त की संगति के कारण जिसका मन भगवान में लग गया है और जो भगवान के विषय में श्रवण करने में इतना आसक्त हो गया है, उनको सुने बगैर भी यदि उनको सेम नहीं आ रहा होता है फिर तो क्या होगा, पार्थ, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो उसके अंदर लग गई है भगवान के यशोगान के श्रवण करने में, तो सहेराम कथा वो कैसे उसका विराह सहन कर सकते हैं, उसकी कथाओं का शुद्ध भक्तों का संग्रह नहीं कर सकते। तो जो भगवान के साथ संबंध स्थापित करके भगवान के साथ रहने से जिसको अवसर प्राप्त हुआ है, यदि उनको उनसे भगवान को दूर कर दिया जाएगा तो वो मर जाएंगे, जीते जी कहाँ सहन कर सकेंगे भगवान के संग, भगवान के वियोग को, भगवान की संगति न प्राप्त करने की अवस्था को वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, सहेरन विराम कथम, वो ऐसे विराह को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसी तरह से श्री कृष्ण ने ही जिनकी बुद्धि आविष्ट है, तस्मिन यस्य दिया पात, जिनकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है, वह पांडव या हस्तिनापुर के लोग भगवान श्री कृष्ण का विरह कैसे छोड़ सकते हैं, उनका मन कैसे भगवान श्री कृष्ण से दूर रहकर संतुष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जिन जिन के नाम बताए गए हैं श्लोक नंबर 10 और 11 में, कि जो कुंती है, सुभद्रा है, माधुरी है, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र और कृपाचार्य, सहदेव, नकुल, भीमसेन, ये सब इतना
दुखी हो रहे थे कि बार बार मूर्छित हो रहे थे। राम हमें एक बात देखनी है, अर्जुन का नाम नहीं लिखा हुआ है ना, क्योंकि अर्जुन को कोई दुख नहीं था। दुख तो केवल उन्हें था जिनको भगवान यहाँ पर छोड़ कर जा रहे थे द्वारिका, लेकिन अर्जुन भगवान से दूर होते ही नहीं थे। जब भगवान हस्तिनापुर में रहते थे तो अर्जुन सदैव भगवान के साथ रहते थे और उन्हीं के साथ बातें करते थे, उन्हीं के साथ सोते थे, उन्हीं की संगति में आनंद प्राप्त करते थे। लेकिन जब भगवान द्वारिका जाते थे तो फिर अर्जुन भी उनके साथ जाता था और वहां पर जाकर रहता था। तो अभी भी अर्जुन जब भगवान जब द्वारिका जा रहे हैं तो अर्जुन भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनका विराह तो केवल उनका होता है जिनसे भगवान की कथाओं को या भगवान को दूर रखा जाता है। तो वो बला सहेरन विरहम कथम, तो वो बला किस तरह से भगवान के विरह को छोड़ सकते। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान के अंदर उनका तस्मिन यस्य देह पात्र, उनकी बुद्धि भगवान के अंदर आखिर इस तरह से आविष्ट हुई कैसे। उन हस्तिनापुर के व्यक्ति और जितने भी व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पर नाम गिना गया, उसके अतिरिक्त भी जो भगवान से बहुत प्रेम करते थे, जब भगवान धाम पर आकर थे तो फिर उनका भगवान के अंदर आकर्षण किस प्रकार से निर्माण हुआ, उनका मन भगवान में किस प्रकार से आविष्ट हो गया, उसके विषय में अत्यंत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। उसको हम कहते हैं सबसे पहले दर्शनम। जब हम किसी का दर्शन करते हैं, जब किसी को देखते हैं तो उससे और आकर्षण उत्पन्न होता है। जब तक देखा नहीं ना किसी को तब तो समझो प्रेम होना संभव नहीं है, लेकिन जब किसी का दर्शन कर दिया, उसको देख लिया ना, और वो हमारे मतलब इंद्रिय को आनंद देने वाला होगा तो फिर उसकी ओर आकर्षण स्वतः उत्पन्न होता है। जैसे अभी जब हमारा बच्चा अभी तक इस संसार में नहीं आया है, जैसे अगर किसी की नई नई शादी हुई है और उसका बच्चा नहीं है उसके पास, तो उसमें मोह भी नहीं है। भले ही पता हो कि मेरा बच्चा आएगा एक साल के बाद या दो साल के बाद, लेकिन उसमें मोह तो नहीं है, आसक्ति तो नहीं। लेकिन जैसे बच्चा उत्पन्न होता है, संतान उत्पत्ति होती है, उसको देखते हैं तो उसको देख कर हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है और ज्यादा हम हमारा दिल करता है, हम उसके साथ समय बिताते हैं, उससे दूर। और कभी ऐसा होता है कि बच्चा कहीं और चला जाता है नानी के घर या फिर उसको देखे बगैर रहा नहीं जाता है, तो लगते बार बार फोन करते हैं कि आप आओ, बच्चे को लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं, हम उसे देखे बगैर अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब हम किसी को देखते हैं, यहाँ पर देखो बहुत ही स्पेशल बात बता रहे हैं कि जिसको आप देखते हो दर्शनम, जिसका दर्शन करते हो उसकी ओर आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर हम देखें, देखने से आसक्ति उत्पन्न हो रही है। और आज व्यक्ति किसको देखता है सारा दिन, या तो टीवी पर हीरोज को, एक्ट्रेसेस को, और फिर इन्हीं वस्तुओं को देखता है तो फिर इन्हीं वस्तुओं की ओर आकर्षण उत्पन्न होता है ना। यदि और आजकल अगर देखा जाए तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा खुद को देखता है ना, सारा दिन आईने में खड़ा रहता है और देखता है मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसे से फोटोज निकालता है, सेल्फीज में कि बस। अब तो कैमरा भी ऐसा होता है, पहले कैमरा क्या होता था, दूसरों में फोटो खींचता था, आज हम केवल अपने फोटो खींचते हैं, ऐसे निकालते हैं, उसे निकाल मैं कितना अच्छा लगता हूँ, मैं कितना स्वीट लगता हूँ, मेरा फेस कितना अच्छा है, कितना आकर्षण है मेरे अंदर। तो केवल अपने अंदर ही जीव का आकर्षण अब सीमित हो गया। अब तो दूसरों से बच्चों को भी मिल रहा था तो मैं फोटो निकाल रहा हूँ अपना, और घर में देखो उनके एल्बम्स में, उनके मोबाइल्स में, हर जगह पर टैब में, उनके फेसबुक पर केवल अपने ही फोटोज लगाते हैं, हर जगह पर अपने ही चित्र को जब जीव खींचता है ना तो केवल अपनी ओर आकर्षित होता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, अपने या फिर अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों, उनके फोटोज को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। क्योंकि क्या यहाँ पर क्या बताया है कि जिसका आप दर्शन करते हो उसी की ओर आपका आकर्षण निर्माण होता है।
तो हम आज देखें अपने जीवन में, पूरे दिन में देखें, हम ज्यादा से ज्यादा किसका दर्शन कर रहे होते हैं पूरा दिन? भगवान का दर्शन तो सुबह को किया, बस मंदिर गए, दर्शन किया, इनफ। बाकी पूरा दिन भौतिक वस्तुओं का, फेसबुक पे, इंटरनेट पे दर्शन करते रहते, देखते रहते हैं अपने मित्रों को, उसने कैसा पहना है, उसने कैसा लगाया है, उसने मेकअप कैसे किया है, हेयर स्टाइल कैसे बनाया है, और इसी तरह के चित्र जो है वो अपने घरों में भी लगाते हैं। अपने घरों में भी ऐसे हीरोइंस के फोटो लगाएंगे और हीरोज के, क्रिकेटर्स के लगाएंगे, तो जिस जिसको फोटो लगाएंगे, जिस जिसको दर्शन करेंगे, उसी की ओर आकर्षण उत्पन्न होगा और फिर उसी को देखे बगैर हमारा मन जो है वो नहीं रहेगा। उसके आगे कहते हैं दर्शनम स्पर्शम, जिसको हम स्पर्श करते हैं पूरा दिन। हम यदि देखें अपने लाइफ स्टाइल में, हम अपने मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनके हाथ में हाथ लगाते हैं, उनको आलिंगन करते हैं, प्रेम करते हैं, तो क्या होता है उससे पाथ। ये जो शब्द है ना, कि उसी में बुद्धि लगेगी, उसी में मन लगेगा, ये सारी चीजों के साथ है ना इंक्लूड होगा। दर्शन करेंगे उसी में बुद्धि लगेगी, स्पर्श जिसका हम स्पर्श करते हैं उसी में मन लगेगा, उसी हम यहाँ लोग को बहुत दिल करता है, स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने योग्य, दर्शन करने यदि कोई योग्य है तो केवल भगवान, भगवान और भगवान के भक्तों का दर्शन करना चाहिए, ताकि उसी में मन रमे, उसी में बुद्धि लगे। लेकिन आज का जीव इतना पतित हो गया है कि भगवान और भक्तों की बुद्धि में भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षित होता है, केवल उन्हीं को देखने का दिल करता है, उन्हीं का दर्शन करने का दिल करता है। और आगे स्पर्शनम, स्पर्श यदि करना है किसी को, क्योंकि स्पर्श करने से क्या होगा, तस्मिन् यस्य देहः पातः, उसी में बुद्धि लगेगी। तो फिर किसका स्पर्श करना चाहिए? शुद्ध भक्तों के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, शुद्ध भक्तों की संगति करनी चाहिए। और इससे अगर नहीं करते हैं भौतिक, जैसे हमारा छोटा बच्चा होता है, तो फिर कोई लोग क्या करते हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ना, सारा दिन टंगाए तक घूमते रहते हैं, किधर भी जाना होता है बच्चा गोद में होता है, किसने होंगे होंगे बच्चा उसका गोद में होगा, बच्चे को छोड़ेंगे नहीं, बच्चे के अंदर इतनी आसक्ति रखते हैं, स्पर्श करते करते हमारी आसक्ति बहुत डेवलप हो रही होती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपने उसको खिलाया, सुलाया, मिलाया, बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, अपना कर्तव्य करो। और स्पर्श करना है तो भगवान के भक्तों के चरणों को स्पर्श करो, ताकि आपकी बुद्धि भगवान में रहे, ना कि भौतिक वस्तुओं को, बस हर वक्त भौतिक वस्तु और व्यक्तियों को स्पर्श करने की लालसा हृदय में हो जाती है। स्पर्शनम संलापम, संलापम मतलब बात करने से। आज का जीव अगर हम देखें तो बात कैसे किसको करता है, हर वक्त भौतिक व्यक्तियों से बात। अब तो इंटरनेट इतना फ्री हो गया, व्हाट्सएप पे टॉकिंग इतना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, और भी दूसरी तरह से बात करते रहते हैं ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन ऐसा होता है बात किए बगैर रहा नहीं जाता, इतना आकर्षण हो जाता है कि जिससे हम बात करते हैं। और कभी ऐसा हो कि एक दिन के लिए, दो दिन के लिए उसका कॉल नहीं आता या मैसेज नहीं आता, तो ऐसा लगता है पीछे भी होना शुरू हो जाती है ना, दिल करता है क्यों नहीं, उसका इंटरनेट कोई प्रॉब्लम हो जाता है या नेटवर्क काम नहीं करता, तो फिर दुआएं करते हैं कि किसी तरह से उसका नेट ना खुल जाए, किसी तरह से संपर्क हो जाए, मैं बात कर, मिले भी नहीं कभी, देखा भी नहीं उसको कभी, लेकिन बात करने से इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाता है कि बिना बात के रहता नहीं है मनुष्य। तो फिर हमें बुद्धिमान, यहाँ पर देखो पहले ही कहा हाथों मत चाहते बुद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति उस ओर जाता है जहाँ उसका आकर्षण भौतिक वस्तुओं और व्यक्तियों से हटकर भगवान की ओर निर्माण हो। लेकिन आजकल जीव बुद्धिमान नहीं है, इसीलिए क्या करता है, केवल और केवल भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर ही अपना आकर्षण निर्माण करता है। माता पिता सदैव अपने संतान की ओर आकर्षित होते रहते हैं, संतान सदैव अपने मित्रों की ओर आकर्षित होता है केवल स्पर्श और बात करने से, है ना, उनको देखने से, उनका स्पर्श करने से, उनको बात करने से, बस ऐसा लगता है कि किसी तरह मेरे जीवन का लक्ष्य ही बात नहीं करे
तो सुना सुना लगने लगता है कि बस मजा नहीं आ रहा होता है बात करना, उससे आकर्षण का सेम ऐसा दिया पाठ उसमें उसकी बुद्धि डेवलप होती रहती है। और साउंड आपका शयनम आसनम भोजनम, शयन मतलब जिनके साथ व्यक्ति सोता है, जैसे हम कभी फार्म हाउस वगैरह में जाते हैं एक दो दिन कहीं पर हम जाके स्टे करते हैं, तो जिन जिन मित्रों के साथ हम सोते हैं रहते हैं एक ही रूम में, उनकी ओर हमारा आकर्षण बहुत ज्यादा डेवलप होता है। और शयनम आसनम जिनके साथ बैठते हैं, जैसे गप्पे लड़ाते हैं ना बहुत सारे लोग कचहरी करते हैं, बैठते हैं तो भी वो अपनी बताते हैं हम अपनी बताते, तो इतना ज्यादा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, ऐसे लगता है कि वापस से किसी तरह से मुझे उसका सानिध्य प्राप्त हो, उसके साथ बैठ कर बातें करने का मौका मिले। तो फिर बाद में वापस से वो प्रोग्राम बनाते हैं कि अब चलो वापस से चलते हैं, मजा आया था ना, बहुत आनंद किया था अपने उस समय का जो सत्यानाश किया था, मतलब समय का सदुपयोग नहीं है ये, समय का दुर्संग सही कहता हुआ आत्मवंदना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। अगर आपके हृदय के अंदर कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त कोई और कामना आती है तो उसको दुर्संग कहा जाता है, उसको केतव कहा जाता है, क्योंकि वो आपको आपके वास्तविक लक्ष्य से दूर कर रही है। भौतिक वस्तुओं की ओर या भौतिक व्यक्तियों की ओर आसक्ति का परिणाम ये होता है कि हमारी भगवान के साथ जो आसक्ति है वो कम होती जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति इन भौतिक वस्तु और व्यक्तियों की ओर आकर्षित नहीं करता अपना निर्माण, बल्कि भगवान के भक्तों की ओर, भगवान की कथाओं की ओर, भगवान के पवित्र नाम की ओर अपना आकर्षण बढ़ाता है। दर्शनम स्पर्शम संलापम शयनम आसनम भोजन है, और जिसके साथ मिलकर भोजन करते हैं, इवन ट्रेन में भी जब कभी जाते हैं कोई हमको कुछ खिलाता है और बार बार कुछ न कुछ लेकर आता है, कभी कोई चीज हमें खिलाता है, तो हमें कितना उनको साथ आकर्षण होता है ना, हालांकि हमारा कोई रिलेशन नहीं होता लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कितना मजा आया था उनके साथ बैठ के खाते थे। किधर भी जाते हैं ना हम, जिनके साथ बैठ कर खाते हैं उनके साथ भी हमारा आकर्षण डेवलप होता है। तो यहाँ पर सूत्र स्वामी बता ही रहे हैं कि यदि हम सत्संग करते हैं, यानी साधु संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, तो भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है और बुद्धि उन्हीं भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में रम जाती है, और केवल भगवान जो है ना, हमारा हृदय जो है तस्मिन यस्त देहा पार्थ, हमारा चित्त जो है वो उन भगवान के भक्तों की ओर आकर्षित होता है, भगवान की कथाओं की ओर आकर्षित होता है, और इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी देखते हैं, दर्शनम स्पर्शम संलापम भोजनम आसनम, जो भी जिसके बाद देखते हैं, सोते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्हीं की ओर आकर्षण होता है। तो ये सारी चीजें हमें केवल भगवान और भक्तों के साथ करनी चाहिए, मतलब दर्शन करना है तो भगवान का दर्शन, किस कभी हम बोलते हैं ना कि हर वक्त भगवान का दर्शन करने से आकर्षण उत्पन्न हो रहा होता है। इसलिए जहाँ पर जिस रूम में भी हम होते हैं या फिर हमने अपने मोबाइल सेट में अपने गैज में ज्यादा से ज्यादा भगवान के फोटोज होने चाहिए, क्योंकि भगवान को देखेंगे तो क्या होगा, भगवान की ओर आकर्षित होगा। अगर अपना मुंह देखेंगे तो क्या होगा, अपने की ओर, और अपना मुंह होता है तो दूसरी हमारी फ्रेंड्स हमारे साथ होती है ना, सेल्फीज लेते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी ओर ही हमारा आकर्षण निर्माण होता है। स्पर्श भी करते हैं तो हमें अगर भगवान के भक्तों के चरणों को या भगवान के चरणों को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि हम भौतिक व्यक्ति और वस्तुओं का स्पर्श करते हैं तो उनकी ओर आकर्षण, जिसके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जिसके साथ खाते हैं, उन्हीं की ओर हमारा आकर्षण निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या है, जिसका आकर्षण शुद्ध भक्तों की संगति से भगवान की ओर निर्माण हो चुका है, सत्संगत मुक्त दुर्संगो, शुद्ध भक्तों की संगति से उसका दुर्संग समाप्त हो गया है, वो व्यक्ति हाथों नोत्साहते बुधा, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता उस शुद्ध भक्तों के संग से दूर रहना। कीर्त्यमानम यशो यस्य सकृत् दाकरणीय रोचना, अगर एक बार शुद्ध भक्त के मुखारविंद से भगवान की कथाओं का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे अब इससे दूर नहीं होना, क्यों, क्योंकि तस्मिन् यस्य देहः पार्थः, उसके अंदर उसकी बुद्धि जो है वो
कैद हो गए हैं ना, जैसे बुद्धि कैद हो जाती है ना, समझो जैसे गोपियां, वो चाहे कितना भी उनका दिल कर मतलब वो चाहती भी थी ना अंदर से हम इन भगवान की ओर से अपना आकर्षण समाप्त करके भौतिक वस्तुओं में लगा तो भी वो नहीं कर पाती थी। तो हमें क्या सोचना कि किसी तरह से भगवान की ओर आकर्षण उत्पन्न होना, और कैसा आकर्षण उत्पन्न होना है, शहीरन विरहम कथम, कि भगवान से जो विरह है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना कर सके। मतलब यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है कि वो व्यक्ति भक्ति में उन्नति कर लिया समझो, जिसको कृष्ण के विरह की अनुभूति हो गई, जिसको ऐसा एहसास हो गया कि मैं कृष्ण से कितना दूर हूँ, कृष्ण के साथ सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, स्पर्श करना चाहता हूँ। जब ये भाव नहीं आता है तो समझना चाहिए कि अभी तक भक्ति में उन्नति नहीं हो रही है। ये भावना जब आने लगे तो समझना चाहिए कि कुछ कुछ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं हम, कि भगवान के ग्रह को नहीं सह सके। हाँ तुम नोट सहते बुधा, यदि वाकई में भक्त हैं, यदि वाकई में भगवान की संगति की है कभी शुद्ध भक्त की, तो उसका पता कैसे चलेगा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं मजीद सुनूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और जोन के दर्शन करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं और जोन का संग प्राप्त कर सकूँ, उनको स्पर्श कर सकूँ, उनके साथ सानिध्य प्राप्त करना चाहता। यदि हृदय के अंदर ये कामना तीव्र हो जाती है तभी ही हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में उन्नति करते हैं, और नहीं हो रही है तो इसका मतलब है हमें बहुत बहुत प्रयास करना है, अभी बहुत बहुत साधन करना है। उस दिन पता लगेगा जब हमारी बुद्धि कृष्ण से एक क्षण के लिए भी इधर उधर ना जाए, तब समझें कि हम हमारी जो भक्ति है वो वाकई में डेवलप हो रही है। परंतु भक्तों यहाँ पर हमें निराश नहीं होना चाहिए ये सोचकर कि हमें तो अभी तक भौतिक आसक्ति लगी हुई है। निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जो साधन कर रहे हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, यही तो प्रारंभ है। इसी से क्या होगा, इसी से डेवलप होगा। जब हम भगवान के दर्शन करते रहेंगे, दर्शनम स्पर्शम संलापम शयनम आसनम भोजनम, भगवान के साथ हम भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के भक्तों के चरण को स्पर्श करेंगे, उनके द्वारा हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा भगवान के भक्तों का जब संग करते जाएंगे ना, तो खुद को खुद आसक्ति समाप्त होगी। ऐसा नहीं है कि हमें पहले भौतिक आसक्ति को समाप्त करना है उसके बाद भक्ति करनी है, ऐसा नहीं होगा। कभी भी भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं होगी, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो क्या होगा, खुद को खुद भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाएगी, और भगवान की ओर हमारी हमारे तीव्र प्रेम है ना, वो खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा। लेकिन अभी जो हम ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, जैसे श्रवण और जप स्पेशली और विग्रह सेवा जो हम कर रहे हैं ना, उसको हमें मैकेनिकली नहीं करना है, उसको बहुत तीव्रता से करना चाहिए। केवल रूटीन पालन करना है कि भाई हमें 16 माला करनी है, एक श्लोक श्रवण करना है, इससे कृष्ण प्रेम नहीं आएगा। ये सबको बहुत ही तत्परता से करना पड़ेगा, बहुत ही सीरियस और सिंसियरली हमें इस सब प्रोसेस को करना पड़ेगा। और ये नहीं सोचना है कि बस अभी मैंने नियम बना लिया है, 16 माला मुझे करनी है तो मजबूरन मुझे करना पड़ रही है तो मैं कर रहा हूँ, या फिर श्रवण कर रहा हूँ, या फिर भगवान की कथाओं को बोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, तो इसको नियम की तरह करना तो है लेकिन प्रेम से करना है, भाव से करना है, श्रद्धा से करना है। तो ये अगर हम मजबूरन करते हैं या मतलब खुश होकर नहीं करते ना, तो समझो ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति होती नहीं है कि हम ना जप कर रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर ध्यान नहीं लग रहा। क्यों करते हैं? केवल इसलिए करते हैं कि गुरु की आज्ञा है तो मैं कर रहा हूँ, या फिर कोई लोग सोचते हैं नरक में नहीं जाए इसी भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति करेंगे तो फिर नरक में नहीं जा सकेंगे, लेकिन इसलिए करना है कि इसी से मुझे आनंद आता। जैसे भोजन करने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता,
अब खुद ही से कितना मन करता है कि मैं अभी समय हुआ है तो भोजन खाऊं, तो उसी तरह से भक्ति का भी एक टेस्ट इतना डेवलप हो जाए कि हम उसके बगैर रह नहीं सके, भोजन के बगैर, जल के बगैर हम कैसे नहीं रह सकते हैं। वही आकर्षण, वही लालसा जब हमारी भक्ति के अंदर होगी, कृष्ण के अंदर होगी, तब समय हम भक्ति करें तो फिर हम ये सोच सकते हैं तो फिर इतने समय से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो टेस्ट तो आता ही नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा होता है कि ये टाइम को देख रहे होते हैं कि इससे ये टाइम पूरा हो तो फिर है ना हमें दूसरा कोई काम करूँ, ये सत्संग खत्म हो या फिर जब मेरा कंप्लीट हो तो मैं दूसरा, इसमें टेस्ट नहीं आ रहा तो ये क्यों कर रही है, ये प्रोसेस है। ऐसे करते 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 अभी हम अपने भक्ति के या कृष्ण प्रेम के टेस्ट को डेवलप करते हैं, और करते 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 ये स्वतः डेवलप हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर भौतिक वस्तु और व्यक्ति हमें आकर्षित नहीं करेंगे, बल्कि केवल कृष्ण ही हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो इस तरह की भक्ति करते 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 एक दिन अवश्य हम सबकी बुद्धि भगवान में नित्य निरंतर स्थित हो जाए, जिन सुख को स्वामी कहते हैं तस्मिन् नियत यह पाठ सहेरन विरहम कथम, और हम एक क्षण के लिए भी भगवान से और उनके भक्तों के विरह को सहन नहीं कर सकेंगे। कब? जब हम भगवान के भक्तों के चरणों को स्पर्श करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, भगवान के साथ सानिध्य करेंगे, आदान प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, विग्रह सेवा करेंगे, तो हमारी बुद्धि भगवान में स्थित हो जाएगी और हम भगवान से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकेंगे, सदैव भगवान के साथ सानिध्य को रियलाइज करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कितना साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।